बैक टू माई अनदर ब्लॉग। हम आए हैं सेक्टर 15 में, भावना को कुछ सर्विसेज लेनी है सैलून में और हम जा रहे हैं न्यू एलिगेंट। वो ना जिस सैलून में हमने जाना ना वहाँ से एक लड़की हमें घूर रही है, उसको पता नहीं है ये पागल यहीं आने वाले हैं। यार मेरे फेस पे देखो नहीं क्या हो गया। तो यार अभी अभी हमारी छुट्टी हुई है और हमने व्लॉगिंग वापस स्टार्ट कर दी है, बीच में हमने बंद कर दी थी और मेरे को वो लड़की अभी भी देखी जा रही है, हमें पागल समझ रही होगी। तो भावना ने सर्विसेज लेनी है और कुछ बोलने वाली थी कि आजकल कौन आज तो बहुत ठंड हो चुकी है यार, सुबह सुबह बहुत ठंड लगती है। सुबह ना जैकेट डाल के आते हैं और इस टाइम गर्मी लगती है तो मैंने जैकेट उतार दी है। तो हम जा रहे हैं न्यू एलिगेंट, इनकी ब्रांच सेक्टर 23 में भी है तो इनके पैकेजेस काफ़ी अच्छे होते हैं। तो मैं चलती हूँ, आपको पैकेज भी बता दूँगी। कहाँ गई ये अभी भी जैकेट पहन के घूम रही है। तो यार हम थोड़े दिन पहले ना मूवी देखने गए थे, आप भी गए थे ना? हाँ। तो यार उसके रिव्यूज देना चाहती हूँ, अगर आप लोग भी जाना चाहते हो तो। भेड़िया मूवी बहुत अच्छी है, इतनी फनी है ना, इतनी कॉमेडी है ना उसमें, जो लड़का कॉमेडी कर रहा है ना उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है और ऐसा लग रहा है ट्रेलर देख के कि अच्छी नहीं है बट बहुत अच्छी है। मैं तो आउट ऑफ टेन 10 ही दूंगी। चलो बाय, मिलते हैं अंदर। मैंने ना यहाँ पे ना वो करवाया था, नेल एक्सटेंशन कराई थी जो एक महीना भी नहीं चली है। मैं कंप्लेंट नहीं कर रही, खैर नहीं चलती हूँ एक महीना, तो उसके बाद मेरे नेल्स में ना बहुत ब्रेकेज होगी और मेरा मन नहीं है कुछ भी करवाने का। और हम यहाँ पे कितने गोरे लग रहे हैं, तो ये वही जगह है। और आज वो हमें लड़की दिख नहीं रही है, मैंने ना इतनी बार आके ठीक कराया ना, बार बार निकल जा रहे थे, फिर मैंने ठीक कराया उसकी कंप्लेंट करी, फिर मुझे वो निकाल ना दिया, वो दिखी नहीं गया। अरे वो तो बोल ही यार उधर खड़ी है बंदर सी। अगर आप भी नियर बाई कहीं रहते हो तो आप भी आ सकते हो। वैसे 999 वाला पैकेज था, मैंने बोला अगर आपने तीन सर्विस लेनी तो आप 800 वाला पैकेज ले लो। तो 800 में तीन सर्विस लिया, भावना ने हेयर स्पा लिया है और ये हेयर कट ना ले लेते आप। तो हेयर स्पा और फेशियल और थ्रेडिंग, मैं सोचती थी बालों में कलर नहीं रैनबो प्लीज फैंसी वाले। तो अभी हम हैं वेटिंग में और थोड़ी देर बाद हम ना चाय पियेंगे, थोड़ी देर बाद हम चाय कॉफ़ी पियेंगे। वो तो हम कहीं छोड़ते ही नहीं है, हमेशा पीते ही पीते हैं। मैं ना वो लड़की भी खाती हूँ, यहीं पर खड़ी है अभी बैक कैमरा करके, ये भी वो चौकी। वो जो पीछे से दिख रही है ना लंबे से बाल वाले, वही थी वो आपका नहीं है। सॉरी कहीं मेरा ब्लॉग ना देख लेना यार। एक बात बोलो, एक्सटेंशन कभी भी मत करवाना यार। एक्सटेंशन करा के ना एकदम इतने वीक हो जाते हैं ना, ऐसा लगता है बहुत वीक हो जाते हैं और ऐसा लगता है ऊपर ना वो परत चढ़ी हुई है, जब वो निकलेगा ना ऐसा लगता है कोई लेयर है ऊपर। तो पानी पी लेते हैं हमें, बेटे बैठे क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद कॉफ़ी मंगा लेते हैं। भावना का फेशियल हो गया और मैं बोर हो गई एक घंटे से, मेरे बाल देख ना कैसे से हो गए, सो के ऐसा लग रहा सो गई थी मैं, जैसे मैं तो बीच में सो गई थी। कह रहे मैम चाय कॉफी कुछ पियोगे, मैंने कहा इतनी देर से क्यों नहीं पूछा तुम लोगों ने। अभी जा रही है फेयर हेयर स्पा करवाने, अब मैं फेयर बोर होंगी यार, और बाहर बैठ के ना अपने आपसे बातें भी नहीं की जा रही, लोग मेरे को देख देख के हंस रहे हैं। ये भूत नहीं दिखाना, मैं शक्ल दिखाना आसमान आ जाती है फेशियल कराते हैं। सपना भी आया पहली बार थोड़ी देर, भगवान कह रही मैं फेशियल कराते करते मैं नींद में चली गई और मेरे को सपने भी आने लग गए। अभी लगेगा एक घंटा और। कैसा किया हेयर स्पा इन्होंने, ओ फेशियल। एक दूसरी लड़की है ना पता नहीं वो कहाँ है, वो बहुत अच्छा करती है। ये तो वही है जिसने मेरे नेल एक्सटेंशन खराब कर दिए थे, पर इसने फेशियल ये शायद ठीक किया हो।
पता चलेगा बाद में। चलो यार चले, रिव्यूज बाद में देते हैं, नीचे जाके उनके सामने ही देने। क्या बोल रहा था मैम, आपके बाल ड्राई हो गए मैम, आप ये करवा लो मैम, आप वो करवा लो, मुझे इतना गुस्सा करता ना जब ये लोग ऐसे बोलते हैं मैम आपके बाल ड्राई हो गए, आपके स्पिन, आपके हेयर फॉल हो रहा है, आपके डैंड्रफ हो गए, इतना गुस्सा करता ना भाई, जब करवा लेंगे तुम क्यों एडवाइस करते थे मैम हम ये वाला शैम्पू यूज़ करो या आप ये वाला इस्तेमाल ले लो, इतना बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। और अब तक भावना को यही बोल बोल के पता रहा था, दूर से देख रही थी मुझे पता चलता था क्या ही बोल रहा होगा, मेरी लड़की को मैंने कहीं देखा है, जब आपके क्रीम लगाते हैं ना ऐसे पीछे ना तिखी की चोटी निकल जाती हमारी कॉफी नहीं आई थी देर से, होता है ना कितना बोर होता है कई लड़की देखो, तेरे को लग रहा होगा मुझे नहीं कैसा होता है। हाँ आज मैं पहली बार बैठी ना आपके साथ शायद ऐसे, और एक वो लड़की बैठी है वो बेचारी बोर हो गई है, वो अपने जानू मानू से पत्ते मारी जा रही है और मैं अकेली बोर हो गई उसकी बातें सुन सुन के, ये आपको मिलना कह रही आपको मिलना है ना तो वेट कर लो मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। फाइनली हमारी कॉफ़ी आ गई है जो यहाँ पे हम पीने आए थे, हम यहाँ पे हम कहीं पे भी जाते हैं ना हमें वेट हम लोग इंतजार रहता है कि कब कॉफ़ी आएगी कब चाय आएगी, पता नहीं क्यों ऐसे थके हुए रहते हैं ना ऑफिस से तो मन करता है कि चाय कॉफ़ी पी लें, वो भी कॉफ़ी पीते हैं और भावना को भी आधा घंटा तो और लगेगा और आज घर जाने का लेट हो गए हैं और कुछ नहीं यार, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है स्पा का और हेयर फेशियल का क्या रिजल्ट रहता है। ये देखो वो भी भावना रेडी एकदम तैयार सुंदर लग रही है ना, लग रहा है अभी क्या लगेगा दो तीन दिन बाद लगेगा फेस पे, तो यार परेशान हो गए हम बैठे बैठे, चलो हम जा रहे हैं घर और अभी तक तो पसंद आया भावना को फेशियल और हेयर स्पा, हाँ क्योंकि वो लड़की थोड़ी ढीली सी है जी, बोलती बहुत है काम भर तब भरती है, हाथ नहीं लग रहा था मुझे ऐसे लाइट था। हाँ अच्छा हेयर स्पा तो ठीक था, अच्छा तो हमने इन्होंने लिया था 799 का एक पैकेज, तीन सर्विसेज मिली थी उसमें, हेयर से क्या लिया ब्लीच ब्लीच फेशियल और हेयर स्पा। चलो गाइस अब हम जा रहे हैं यहाँ से और देखते हैं अब क्या करना है, घर ही जाएंगे और तो क्या ही करेंगे। 15 की ना पटेल मार्केट बंद है क्योंकि आज लास्ट मंडे है इसलिए 15 मार्केट बंद होती है, ये मार्केट पता नहीं कैसे खुली है, मार्केट तो सारी बंद होनी चाहिए ना, तो उस साइड बिल्कुल अंधेरा हो रखा है जहाँ पे कपड़े वपड़े मिलते हैं, तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से, अभी हमने पेट्रोल डलाने भी जाना है। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मेरी होंडा सिटी येरी, तो मैं हमेशा व्लॉग की एंडिंग करना भूल जाती हूँ बट आज मैं एंड कर रही हूँ, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, बाय।